नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कल के वीडियो में हम लोगों ने सा सा और जा के आंकड़े को देखा था, आज हम लोग उससे संबंधित शब्द चिन्ह देखेंगे, उसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कल हमने सा सा और जा के आंकड़े को देखा था, उदाहरण भी समझा था। ठीक है, आई होप कि आपने सा के आंकड़े का बहुत सारा एग्जाम्पल आपने प्रयोग किया होगा और सा के आंकड़े को आपने याद भी कर लिया होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों यहाँ पे हम लोग शब्द चिन्ह देखेंगे और ये शब्द चिन्ह आपको याद रखना है और आपको शब्द चिन्ह वाली कॉपी में उतार लेना है और वहां पे आपको कम से कम 8 से 10 बार इसको प्रैक्टिस करना है और तब तक करना जब तक ये याद ना हो जाए पूर्णतया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिये पहला शब्द जो है हमारा वो है कैसा। ठीक है, कैसा, कैसी, कैसे, तीन शब्द बनता है यहाँ पे, कैसा, कैसी, कैसे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लाइन पे लिखेंगे का और यहाँ पे सा का आंकड़ा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कैसा, कैसी, कैसे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। ठीक है, फिर इसमें एक किसी आउटलाइन को चेंज करेंगे, अगर जहां पे आपको पढ़ने में कंफ्यूजन आए ना वहां पे आप लोग मात्रा लगा लिया करिए। ठीक है, अगर पढ़ने में कुछ कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के ऊपर था ये और दूसरा है हमारा किस, किसी, तो किस और किसी में यहाँ पे लाइन पर हम बनाएंगे, लाइन पे का और ये सा बनाएंगे तो किस या किसी पढ़ेंगे इसको हम लोग। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हो गया ना, यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमें चेंज करना पड़े, किस और किसी आसानी से पढ़ा जाता है। ठीक है, वो सेंटेंस बता देता है कि किस आया है या किसी आया है। नेक्स्ट है किस लिए। ठीक है, किस लिए भी हम लाइन पर बनाएंगे लेकिन इसमें ना के आंकड़े, सा के आंकड़े को नीचे की तरफ घुमाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लाइन पर ही होगा का, ये सा इस ऐसे घूमेगा ताकि हमारा ला का आंकड़ा आसानी से बन जाए। ठीक है, ये हो गया आपका किस लिए, किस लाल जोड़ने से लिए हो गया, किस लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संपूर्ण, क्या है संपूर्ण। अब यहां पे सा और मा हम लोग लिखेंगे, सा और मा, इसको हम बनाएंगे संपूर्ण। ठीक है, यहाँ पे सा और माँ से संपूर्ण होता है, किताब में भी ऐसा दिया गया है, लेकिन इसी तरीके से हम लोग संबंध भी बनाते हैं। ठीक है, हालांकि संबंध डार्क होता है लेकिन जब हम लोग स्पीड में लिखते हैं तो डार्क करने का टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो यहाँ पे संपूर्ण को हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, संपूर्ण में सा माँ ये पा में रा लगता है, जब हम लोग आगे आंकड़ा पढ़ेंगे इस वाले आउटलाइन को आप लोग यूज करेंगे संपूर्ण के लिए। ठीक, आप लोग इसको उतार लीजिएगा और यहाँ पे जब सा को और सा और माँ को हम लोग लाइन पर लिखेंगे तो ये होगा समय। ठीक है, समय हो गया संपूर्ण, समय किताब में संपूर्ण ऐसे मिलेगा क्योंकि, लेकिन बाद में हमें हम लोगों को अपनी आउटलाइन पढ़नी है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि हमें अपनी लिखी हुई पढ़नी है, अपना शॉर्ट हैंड पढ़ना है तो हम अपने हिसाब से लिखेंगे ताकि हम पढ़ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे सा माँ ये पा में रा लगता है, पू और रा हो गया पूर, और यहाँ पे ना का आंकड़ा लग गया पूर्ण हो गया, यानी संपूर्ण पूरा पूरा लिखा गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आया, क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए यह क्या है, यह और ए, यह और ये। ठीक है, यहाँ पे हम लोग या को लेंगे, या को, और यहाँ पे सा का आंकड़ा लगा देंगे, इसको हम पढ़ेंगे यह, लाइन के ऊपर होगा ये, और लाइन में टच कर देंगे ये पढ़ेंगे ये। ठीक, यह, ये, यहां तक क्लियर। अब आप लोग इसको कम से कम 8 से 10 बारी प्रैक्टिस करिएगा और हम कहते हैं कि तब तक प्रैक्टिस करिएगा जब तक आपको याद ना हो जाए, याद हो जाए तो आप किसी से आउटलाइन को बुलवाइए, उसमें कोई आप अपने से शब्द बना लीजिए, जैसे यह, ये, सब, इन, दोनों, के, कहे हुए, जितनी भी आउटलाइन है ऐसे शब्द बनाइए कि मतलब आपके आउटलाइन का भी प्रैक्टिस हो जाए और शब्द चिन्ह भी आ जाए इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए साहब और सुबह दोनों एक ही आउटलाइन से बनता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग इसको चेंज करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। सा में, बा में सा जोड़ेंगे लाइन के ऊपर, इसको हम पढ़ेंगे साहब। ठीक है, इसी को सुबह भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साहब सुबह, ठीक है, सुबह बहुत कम ही यूज होता है, मतलब बहुत कम आता रहता है, तो जब भी आएगा तो हम लोग सुबह पूरा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, साहब और सुबह, यहाँ पे सुबह, यहाँ अगर चाहें तो हम हा का आंकड़ा जोड़ सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आप अपने सुविधा के लिए इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो इससे भी काम चला सकते हैं आप लोग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, दो ही शब्द बनता है साहब या सुबह, तो सेंटेंस पता चल जाता है कि साहब आएगा कि सुबह आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नहीं तो अगर और अगर क्लियर करना चाहें तो इस तरह के भी बना सकते हैं, हा जोड़ दीजिए। ठीक है, हा जोड़ दीजिए, यहाँ पे सीधा हो गया सुबह। नेक्स्ट है आपका सब,
ये लाइन के ऊपर था सा हवा और सुबह, सब जो है वो लाइन टच करके है सब। अब इसको हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब आया था हमारा सबसे, सब सबसे सूबे, सूबे तो बहुत कम आता है तो सूबे हम पूरा लिख देंगे, एक ही मात्रा लगा देंगे तो सूबे पढ़ लेंगे, ठीक है। सूबे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सूबे बहुत रेयर केस में यूज होता है, तो सूबे जब भी इस डिक्टेशन में आएगा तो हम इसमें एक ही मात्रा लगा देंगे बामे, तो सूबे हो गया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है सबसे, तो सबसे के लिए हम यहाँ पे सब एक छोटा सा ता बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा सबसे, ठीक है। और अगर संक्षेप में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, सब यही एक आंकड़ा और लगा दीजिए सा का, सबसे, ठीक है। हम समझते हैं कि इतने, अब आप इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सूबे हम इसी से पढ़ लेंगे, जब सूबे आएगा तो सा और बा लिखेंगे, ठीक है, लाइन टच करके यहाँ पे एक ही मात्रा लगा देंगे सूबे, ठीक है। ज्यादातर हम लोगों के लिए सब और सबसे आता है, ठीक है, डिक्टेशन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे अगला है सबक और सबब, लाइन काटेंगे तो क्या बन जाएगा, सबक और सबब, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग हमें नहीं करना है, सबक और सबब इसको हमें याद कर लेना है, सबक और सबब को, ठीक है। आगे बढ़ें और आप लोग इसको उतार लीजिएगा, और बेहतर सुविधा के लिए अगर आप चाहें तो हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं आप। नेक्स्ट है यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे लाइन के ऊपर, तो हम इसको पढ़ेंगे इस, क्या पढ़ेंगे, इस पढ़ेंगे, और इसी को जो हम लाइन टच कर देंगे तो इसको पढ़ेंगे इन, ठीक है। इसका प्रयोग अभी आगे हम लोग फिर देखेंगे जब हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप लोग फटाफट इसको खत्म करते हुए चलिए, ताकि हम लोग फटाफट सर्वनाम पे पहुंचे और जल्द से जल्द आपको स्पीड में फिर हम डिक्टेशन देने लगे। यहाँ पे नेक्स्ट है इस इन, ठीक, इस हो गया, इन हो गया। अगला है आपका समान सामना सामने, ठीक है, समान सामना सामने, तो यहाँ पे देखिए सा मा, ये ना का आंकड़ा होता है, आगे हम पढ़ाएंगे जब हम लोग ना का आंकड़ा पढ़ेंगे, तो ये हो गया आपका समान, सामना भी पढ़ेंगे इसको, सामने भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया समान सामना सामने, अगर कंफ्यूजन हो तो मात्रा लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस से पता चल जाता है। अगला है आपका समाना, ठीक है, यहाँ पे देखिए समाना जो है वो, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, समाना जो है इसको हम लाइन में समा देते हैं, जब लाइन में समा देते हैं यानी कि इसको हम समाना पढ़ते हैं, समाना बहुत कम ही आता है सेंटेंस में, फिलहाल हमें याद कर लेना है, ये है हमारा समाना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए संबंध में क्या करते हैं हम लोग, संबंध जैसे लिखते हैं संपूर्ण की जैसा, तो यहाँ पे हमने देखिए संपूर्ण जो है, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे देखिए संपूर्ण का, इसलिए हमने आउटलाइन चेंज कर लिया ताकि संपूर्ण और संबंध में हमारा कन्फ्यूजन ना हो, हम फटाफट पढ़ लें, ठीक है। इस आउटलाइन को आप लोग दोहरा लेना है, कई बार प्रैक्टिस कर लेना है, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बने नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना, जिससे हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो। और दोस्तों अगर आप आज पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि स्टार्टिंग से वीडियो देखें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि एक ही दिन में गए प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो थी सारा देख के, तो एक दिन में शॉर्ट हैंड नहीं सीख पाएंगे। आप एक एक दिन एक एक प्ले मतलब एक एक अभ्यास करके देखिए और उसको अभ्यास करते जाइए, आई होप कि आप बिल्कुल शॉर्ट हैंड सीख लेंगे, क्योंकि वीडियो में हमने सब कुछ क्लियर कर दिया है, आपको कुछ भी डाउट यहाँ पे नहीं होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 19 के साथ, ठीक है, अभ्यास 19 करना है आपको, यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करना है, आप लोग इसको तैयार करिएगा, कल वाले वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे और साथ में हम आपको डिक्टेशन भी इसका बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार रखिएगा, अभ्यास 19 में मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे अभ्यास 19 है, यहाँ पे 7 नंबर से लेके और आपका यहाँ पे 10 नंबर तक, 11 नंबर तक जो है वो, 11 नंबर तक जो है वो आप लोग इसमें शब्द चिन्ह और आउटलाइन दिए हुए हैं, तो आप लोग इसका अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।